नमस्कार, सुपर मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मखाने की खीर। ये आप व्रत में भी खा सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसके लिए हमें चाहिए मखाने, जो मैंने करीब 25 ग्राम के करीब लिए हैं, और ये चीनी 1/4 कप ली है, इलायची पाउडर और थोड़ा सा घी। अब इसके लिए मैंने ये आधा किलो दूध लिया है, इसको हम गैस पे उबलने के लिए रख देंगे। इसको हमने गैस पे उबलने के लिए रख दिया है। अब हम मखानों को मिक्सी में डाल के हल्का मोटा दरदरा पीस लेंगे। इन मखानों को हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं हल्का सा दरदरा होने तक। जब तक हमारा दूध उबल रहा है, हम इसमें थोड़ा सा घी डाल के इस मखानों को हल्का सा भून लेंगे। मैंने ये करीब 1 चम्मच के करीब लिया है। ये हल्का सा पिघल जाएगा तब हम इसमें मखाने डाल देंगे। हमारा घी गर्म हो चुका है, हम इसमें ये मखाने डाल के हल्का सा रोस्ट होने तक भून लेंगे। इससे क्या है, खीर में इसका स्वाद काफी अच्छा आता है। घर में सबको ये खीर बहुत ही पसंद आती है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा साबूदाना भी डाल सकते हैं। साबूदाना जैसे आप भिगो के रखते हैं, उसको बिल्कुल पानी उसका निकल जाए, सूखा सूखा सा इसमें थोड़ा सा साथ में डाल दें, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए भून लेंगे और दूसरी साइड हमारा दूध उबल रहा है। ये हमारे मखाने भून चुके हैं, अब हम इसे दूध में डाल देंगे। ऐसे करीब ये 10 मिनट के करीब हमें लगेंगे। ये धीरे धीरे पूरे साबुदाना और ये मखाने फूल जाएंगे और खीर हमारी गाढ़ी हो जाएगी। इसको हमें बीच बीच में लगातार चारों तरफ से और तली में से चलाते रहना है, क्योंकि कई बार ये खीर लग जाती है। अब हम इसे ऐसे ही मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए रख देंगे। हमारी खीर को बनते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। दूध हमने पहले से ही पकाना रख दिया था, जो कि करीब 350-350 ग्राम के करीब रह गया था। उसमें हमने ये मखाने डालकर इसको लगातार चलाया है। करीब 2-3 मिनट के में हमारी खीर बनके तैयार होने वाली है। ये हमने मीडियम फ्लेम पे चलाई रखी है और लगातार इसको बीच बीच में चलाते रहे हैं। इसके लिए हमें भारी तली का भगोना लेना चाहिए ताकि हमारी खीर नीचे ना लगे। ये देखो, हमारी खीर लगभग काफी हद तक गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें हमने 5-6-7 केसर के लिया था, जो मैंने दूध में भिगोकर रख दिया था। इसकी खुशबू और कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे और चीनी। चीनी आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। इसमें लगभग नॉर्मल जो चम्मच होती है उसकी 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें चीनी डाली है। आप इसमें
चाहे तो चीनी पाउडर भी डाल सकते हैं, जो जल्दी घुल जाता है। वैसे तो चीनी भी जल्दी घुल जाती है। आप देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब इसे 2 मिनट तक और पका के हम सर्व करेंगे। ये मैंने 7-8 बादाम और काजू लिए हैं। इसको मैं ये हैंड मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, इसमें इसको मैं हल्का सा प्रेस कर लूँगी। इसमें ये इस तरह से हल्का मोटा जाली मैंने लगाई है, इससे इस तरह से ये निकलता है। ये मैंने अमेजोन से मंगाया है, आप भी अगर चाहें तो मंगवा सकते हैं। ये हमारी खीर बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। गैस बंद करते हैं और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारी खीर बनके तैयार हो गई है, अब हम इसको बादाम और काजू से गार्निश करेंगे। ये खीर ठंडे होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको हल्का सा पतला ही निकाला है। आप ये खीर बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।